अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सत्ती है और मैं आपको आज उन 7 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनसे इंसान अगर उनको अपना ले तो एक बड़ा इंसान बनता है। जी तो नाज़रीन, ये 7 आदतें ऐसी हैं कि इनको अगर अमल किया जाए तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। अभी मैं इन 7 आदतों में से कुछ आदतों का जिक्र भी करूँगा, आपको कुछ बताऊँगा भी। अब मैं बच्चे की एक स्टोरी शेयर करूँगा आपसे। एक बच्चा छोटा सा था तो वो अपनी टीचर से पूछता है, माशर्ती लोम की क्लास थी, बच्चे को पढ़ा रही थी मैम, वर्ल्ड का बता रही थी, और बच्चा पूछता है कि मैम मुझे दुनिया को बदलना है, मैं बड़े होके दुनिया को बदलना चाहता हूँ। तो मैम कहती हैं तुम नहीं बदल सकते इस दुनिया को, ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और तुम बदलते बदलते थक जाओगे। तो बच्चा रेजिस्ट करता है, बच्चा बोलता है कि मैं तो बदलूँगा मैम। तो मैम कहती हैं ओ कुएँ के मेंढक तुम चुप करो। तो बच्चा पूछता है कि मैम ये कुएं का मेंढक क्या होता है। तो मैम बोलती हैं बेटा, कहानी सुनाती हैं उसे कि एक दफ़ा एक कुएं में एक मेंढक रहता होता था। एक दिन ना किसी ने मछली को ना उस कुएं में फेंक दिया। तो जब कुएं के मेंढक ने मछली को देखा तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। मछली बड़े हैरान होकर बोलती है कि मैं तो समंदर से आई हूँ। तो कुएं का मेंढक बोलता है कि समंदर कितना बड़ा होता है। तो वो कहती है बहुत बड़ा होता है। तो कहता है कितना बड़ा। तो कहती है बहुत बड़ा। तो वो कहता है मुझे बताओ कितना बड़ा। तो वो बताती है, कहती है इतना बड़ा। तो उसको फिर समझ नहीं आती क्योंकि होता तो वो कुएं का मेंढक ही है ना। तो क्या कहते हैं, वो कहता है कि इन कुएं की दीवारों से भी बड़ा। वो कहती है बहुत बड़ा। कहता है ये जो सामने आसमान नजर आ रहा है इससे भी बड़ा। कहती है हाँ इससे बड़ा। तो वो कहता है कितना बड़ा। और वो कहती है और चुप करो तुम कुएं के मेंढक को, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। तो जी वही बच्चा बड़ा होता है। और जब वो मुताले पाकिस्तान की क्लास लेता है 9th के 10th में, तो टीचर उसे पाकिस्तान का नक्शा देती है। पाकिस्तान का नक्शा देखते और कहता है मैं इसे बदलूँगा। बदलना बहुत चाहता होता है। और जब मुताले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नक्शे को देखता है, कोशिश करता है पाकिस्तान को बदलने की, लेकिन कैसे बदलता जी, पाकिस्तान कैसे बदल सकते है एक बच्चे के कहने पे। तो वो कोशिश बड़ी करता है, बड़ा होता है, बदलना सब कुछ चाहता होता है। और उसके साथ साथ जब अपने शहर में जाता है, लाहौर का होता है जी, कहता है मैं लाहौर को बदलूँगा। निकलता है लोगों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या बदलेगा, बड़ा होता है, शादी होती है। जब घूंघट उठाता है बीवी को कहता है कि जी इसको बदलूंगा, इसको तो जी मैं बदल गया हूँ, पर कैसे बदले जी। उसके बाद वो बच्चे होने शुरू हो जाते हैं उसके, एक बच्चा हुआ दूसरा। जब पहला बच्चा हुआ कहता है इसको बदलूंगा, करते करते कोई जिंदगी गुजर जाती है, आखिरी बच्चा होता है कहता है अब मैं इसको तो बदल के रहूँगा जी, कुछ ही नहीं बदलता। गुजरते गुजरते बूढ़ा हो जाता है बंदा और एक वक्त आता है मरने के करीब होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि बाबा कोई बता दें, कोई सजेशन दे दें, कोई हमें बता दें ज़िंदगी में कैसे क्या करना चाहिए। कहता है बेटा ज़िंदगी में कभी दूसरों को बदलने की ना करना, अपने आप को बदल लोगे ना ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने आप को बदलोगे शहर बदलेगा, लोग बदलेंगे, फैमिली बदलेगी, दुनिया बदलेगी, पाकिस्तान बदलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो आज मैं इसी पहली आदत पर बात करूँगा। ये पहली आदत है प्रोएक्टिवनेस, कि ज़िंदगी में इंसान अगर ख़ुद को बदल ले ना तो इंसान बहुत खुद बदल लेता है। और अगर दूसरों को बदलना चाहे, दुनिया को बदलना चाहे, तो ऐट द एंड ख़ुद को भी बदल सकता और दुनिया तो निकल जाती है उसके हाथ से। तो यही आज का लेसन है जी, इसको अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए। जो अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं, वो सीखें तो ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा आप लोगों की ज़िंदगी के लिए, और इससे इंसान बहुत हाई चीज़ें अचीव भी कर सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।